नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो। संविधान का आर्टिकल 370, इसके चलते जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। इसके तहत राज्य से बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलती थी। अगस्त 2019 में ये आर्टिकल रद्द कर दिया गया और अब पहली बार राज्य के बाहर के एक शख्स को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर से बाहर के व्यक्ति को निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। यह निवास प्रमाण पत्र बिहार के रहने वाले IAS अधिकारी नवीन चौधरी को जारी किया गया है। नवीन चौधरी बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। IAS अफसर हैं और लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। फिलहाल वो कृषि विभाग में कमिश्नर सेक्रेटरी हैं। नवीन को नागरिकता जम्मू कश्मीर ग्रांट डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 के नियम के 5 के तहत मिली है। इस कानून को हाल में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, जिसके खिलाफ कई संगठनों ने विरोध भी किया था। उन्हें जम्मू जिले के बाहु तहसील के तहसीलदार रोहित शर्मा ने निवास प्रमाण पत्र दिया है। नवीन चौधरी को नए नियम के मुताबिक प्रमाण पत्र मिला है। दरअसल केंद्र में नरेंद्र मोदी 2.0 के सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक साल 2019 में 5 अगस्त को बीजेपी लोकसभा के बाद राज्य में संशोधन बिल लेकर आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में संकल्प पेश करते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। इसके बाद गृह मंत्री ने सदन में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। इस बिल के तहत जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बिल के मुताबिक जम्मू कश्मीर से सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और कहा कि जम्मू कश्मीर दिल्ली और पुडुचेरी की तरह होगा, जिसमें विधानसभा में होगी। वहीं लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी और वह चंडीगढ़ की तरह होगा। हालांकि बिल का संसद के दोनों सदन में विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया, लेकिन सत्ता पक्ष के पास बहुमत होने की वजह से बिल दोनों सदनों में पास हो गया। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।